ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो, आप कौन? जी, मैं उनकी एक सहेली बोल रही हूँ। तुम्हारी भी सहेली है? हेलो मिसेस गुप्ता, माफ करना, मुझे आपके पति से झूठ बोलना पड़ा। दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ और जीवन के घर से बोल रही हूँ। जीवन ने जहर खा लिया है। क्या? आप घबराई नहीं, वो जिंदा है लेकिन अभी तक बेहोश पड़े हैं। उनके तकिए के नीचे से आपके नाम का एक खत मिला है। आप अभी आ सके तो ठीक है, वरना यह खत पुलिस तक पहुंच जाएगा। नहीं नहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? बहुत बीमार है। कौन? मेरी सहेली। डॉक्टर का कहना है शायद रात ना कटे। अरे तो तुम्हें फौरन जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें ले चलता। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मैं जल्दी से वापस आने की कोशिश करूंगी। वही ठहरना, मैं आती हूँ। जी मैं वक्त पे ना पहुंचती तो बचना मुश्किल था। आपको किसने बुलाया था? बस यूँ समझ लीजिए इन किस्मत मुझे यहाँ ले आई। टेलीफोन पर आपने किसी खत का जिक्र किया था? जी, एक औरत होती थी, मैंने ये नहीं चाहा कि आपका घर उजड़े, इसलिए खुदकशी का केस होते ही थी। मैंने पुलिस को खबर नहीं की। आशा, तुम्हारी भलाई के लिए मैंने अपनी मोहब्बत का गला अपने हाथों खोल दिया, लेकिन कल अपने घर पे जो तुमने मेरी कुर्बानी का बदला दिया है, उसके बाद मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। मैं ये दुनिया ही छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी चंद तस्वीरें जो मेरे जीने का सहारा थी, मैं वापस कर रहा हूँ। कुछ तस्वीरों के बारे में लिखा है। जी, ये रही। ये तस्वीरें मैंने नहीं खिंचवाई। अच्छा, तो आपने आप खींच गई? आप मेरे यकीन कीजिए। मैं तो यकीन की लेती हूँ मिसेस कैलाश गुप्ता, लेकिन क्या कैलाश भी यकीन कर लेंगे? ये आपने फाड़ डाली, बहुत अच्छा किया, मगर जब इनके नेगेटिव साथ आ जाए ना तो नहीं चला डालिएगा। नेगेटिव? मुझे अफसोस है कि वो नेगेटिव ऐसे हाथों में पहुंच चुके हैं जो आप कीमत मांगेंगे। मैं आप कीमत देने के लिए तैयार हूँ, मांग ही डाल दूंगी। वो 10 लाख लेकर भी नेगेटिव्स नहीं देंगे। फिर क्या चाहते हैं वो? आपके पति की फैक्ट्री में कोई नई ईजाद हुई है, वो उसका फार्मूला मांगते हैं। मेरी मानिए तो वो कागज का टुकड़ा देकर अपना उजड़ा हुआ घर बचा लीजिए। ये मेरा कार्ड है, मैं आपकी राह देखूंगी। अब आप जाइए, कहीं इतनी रात गई कोई आपको देख ना दे। Well done, sweetie. Hey! Help! कैसी है तुम्हारी सुधी? क्या बात है आशा? मछली की उम्मीद नहीं? आशा, अपने आप को संभालो, रोने से क्या फायदा? आशा, आशा, सहेली से इतना प्यार, आ मेरे साथ एक एक कप कॉफी पीते हैं, सब ठीक हो जाएगा।
ये कॉफी नहीं, आइए मेरे पास बैठे ना, बातें कीजिए। करो बातें। आप बताइए। क्या बताऊं? अपने बारे में, अपने कारोबार के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, फॉर्मूले के बारे में। क्या जानना चाहती हो? आप फॉर्मूला कहाँ रखते हैं, फैक्ट्री में या घर में? आशा, ये जिम्मेदारी चाचा जी की है, मैंने इस बात की कभी परवाह नहीं की। तो क्या बिजली बन जाने के बाद अब फार्मूले की बिल्कुल कीमत ही नहीं रही? ये बात नहीं आशा, जिस फार्मूले की मदद से हम बिजली बनाते हैं आज वो सारी दुनिया हमसे खरीदना चाहती है, और अगर कल ये फार्मूला किसी दूसरे के हाथ लग गया तो वो खुद बिजली बनाने लगेगा, फिर हमसे कौन खरीदेगा? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, कुछ तो सोच रही हो आशा। फार्मूला इतना कीमती है तो आप उसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? कल से अपने पास रख लिया, तुम्हारे पास रख लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो आशा तुम कुछ परेशान हो, आराम करो, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सीनियर एंटोनियो, पैसे वैसे का इंतजाम कर लो, क्योंकि दो एक दिन के अंदर ही फॉर्मूला तुम्हारे हाथ आने वाला है। सीनियर जीवन, ब्रावो, ब्राविसिमो, यू आर ए ग्रेट मैन एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू, लेट मी किस यू। तुमने शेव नहीं बनाया सीनियर एंटोनियो, शेव नहीं बनाया इसलिए कि फॉर्मूला इसी शेव की वजह से आने वाला है। देखो सर, आज तुम्हें अच्छा देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जिंदगी जैसी कीमती चीज को इतने आसानी से खत्म कर देना चाहा? जिंदगी कीमती थी आशा जब तुम थी। जीवन, तुम तो हमेशा मेरी भलाई के लिए सोचते थे, लेकिन अब क्या हुआ? भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाता और वो खत पुलिस के हाथ लग जाता तो जानते हो मेरा क्या होता? हाँ आशा, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो तस्वीरें आई कहाँ से? तुम ये तस्वीरें ले क्यों नहीं गई? ये नहीं, मेरी और तुम्हारी वो तस्वीरें, गंदे पोज जो मुझे कल दिखाए गए। गंदे पोज मेरे और तुम्हारे? हाँ। किसने दिखाए? लेडी डॉक्टर ने। कौन लेडी डॉक्टर? जिसने तुम्हारी जान बचाई। अरे मैं नहीं जानता हूँ किसी को। नौकर से पूछो, वो बुला के लाया होगा। नौकर को तो मैंने चार दिन पहले छुट्टी करा दी। तो वो लेडी डॉक्टर कौन थी जिसने मुझे फोन किया, तुम्हारा खत दिया, वो तस्वीरें दिखाई? ये रहा उसका कार्ड। जीवन, जीवन मेरी मदद करो, उसने मुझे साफ साफ कहा है कि अगर कैलाश की नई जात का फॉर्मूला मैंने उसे नहीं दिया तो कुछ लोग वो तस्वीरें कैलाश के हवाले कर देंगे। तुम तो जानते हो मैं हर घड़ी शक की निगाहों से देखी जाती हूँ, वो तस्वीरें ऐसी हैं जिनसे मेरा घर उजड़ सकता है। नहीं आशा, मेरे होते हुए तुम्हारा घर कभी नहीं उजड़ सकता। जिन लोगों ने भी तुम्हारे खिलाफ ये चाल चली है उन्हें मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। शायद इसी के लिए आज मुझे नई जिंदगी मिली है। भगवान के बाद मुझ पर भरोसा रखो और तुम घर जाओ आशा, घर जाओ। अच्छा एक काम करो, ये कार्ड संभालो और अपनी डिस्पेंसरी में जाकर बैठ जाओ। नाश्ता कर लिया आपने? सहेली से मिलने गई थी जी। उसी सहेली से जिससे रात को भी मिलने गई थी जी। उस सहेली का नाम जीवन तो नहीं? उसे झूठ मत बोलना आशा, जीवन से मिलने गई थी। रात को भी तुम जीवन से मिलने गई थी आशा? मुझे माफ कर दीजिए आशा, तुम्हें मेरे दिल का ख्याल नहीं, ना सही, मेरे जज्बात की परवाह नहीं, ना सही,
लेकिन मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी आबरू इन सबको मिट्टी में क्यों मिला रही है? जिसे आपके नाम पर धब लगे, ऐसे कोई काम मैंने नहीं किया। तुमने किया है आशा, किया है, किया है? नहीं, मेरा भगवान जानता है, नहीं। डैडी। बेटी, मैंने सब आंखों से देख लिया है, अब मैं तुम्हें यहाँ एक दिन नहीं रहने दूंगा, चलो घर चलो। अब तो मेरा घर यही है डैडी, यही जीना है, यही मरना है। मैंने अपनी बेटी को किस वैशी से ब्याह दिया है? डैडी, आप उनके बारे में बुरा भला कहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी वफादारी की दाद देता हूँ बेटी, लेकिन ये आदमी इस लायक नहीं। मैं जाती हूँ, नौकर आपको चाय पानी के लिए पूछ लेंगे। आशा बेटी रुको। अच्छा, मैं कैलाश के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने जीवन को किस मौत के घाट भेज दिया है? कुछ गुंडों ने उसे पकड़ लिया है और ये धमकी दी है कि जो चीज उन्होंने तुमसे मांगी है अगर आज के आज उन्हें नहीं मिली तो वो न सिर्फ कुछ तस्वीरों के नेगेटिव कैलाश को भेज देंगे बल्कि जीवन का भी खात्मा कर देंगे। बेटी, जीवन के हम पे बहुत एहसान है, उसकी जान बचाने के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं। वो कौन सी चीज मांग रहे हैं, मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। आपके पास कौन आया था? टेलीफोन। आप चिंता ना कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगी।